सेवापुरा कचरा प्लांट में रोहिंग्या मुसलमानों की डॉक्टर्स की टीम ने की स्क्रीनिंग। आयुर्वेदिक औषधालय बगवाड़ा डॉक्टर लल्लू राम जाट की टीम ने की स्क्रीनिंग। दौलतपुरा चौकी पुलिस की मौजूदगी में की गई स्क्रीनिंग। प्रदेश भर में फैल रहे कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सख्त है, जहां डॉक्टर्स की टीम लगातार शहरी व ग्रामीण इलाकों में और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिनको खांसी बुखार जुखाम आदि बीमारियां हैं उनको दवाइयां भी दी जा रही है। इसी तरह मंगलवार को हरमाड़ा थाना जयपुर सीकर हाईवे स्थित सेवापुरा गाँव में जयपुर नगर निगम द्वारा बनाए कचरा प्लांट में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की स्क्रीनिंग की गई। जानकारी के अनुसार आयुर्वेदिक औषधालय बगवाड़ा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लल्लू लाल जाट ने बताया कि हमारी टीम में कंपाउंडर जितेंद्र कुमार वर्मा, एएनएम प्रमीला स्वामी, आशा सहयोगनी सुशीला शर्मा, हंसा चौधरी, माया देवी चौधरी। कोरोना महामारी के बचाव हेतु गाँवों में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जहां कचरा प्लांट में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की स्क्रीनिंग की गई, स्क्रीनिंग में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं मिला है। इस मौके पर दौलतपुरा चौकी पुलिस के मांगू सिंह, रामलाल जाट, हरपाल सिंह, कृष्ण शंकर लाल सहित आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर। डॉक्टर लल्लूलाल जाट आयुर्वेद चिकित्सक बगवाड़ा में पदस्थापित था पूर्व में। आजकल चौंक पीएससी पे मुझे कार्य करने के लिए हेतु क्रॉस वेरीफाई एक घर और स्क्रीनिंग करने के लिए लगाया हुआ है। आज हम यहाँ सेवापुरा में कचरा प्लांट है उसके पास में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका स्क्रीनिंग करने के लिए पूरी टीम के साथ में आए हुए हैं।